दिल्ली हिंसा के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 मुस्लिम युवकों को दी जमानत। दिल्ली दंगों के आरोपी कपिल मिश्रा ने किया पोस्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान गोकुलपुरी में हुई एक युवक दिलवर नेगी हत्या के मामले में मंगलवार को 6 लोगों को जमानत दे दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में 6 आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा था। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मंगलवार को आदेश पारित करते हुए मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद शोएब, राशिद और परवेज को जमानत दे दी। इन सभी आरोपियों पर मिठाई की दुकान में तोड़फोड़ और आग लगाने से संबंधित एक मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। जमानत मिलने पर भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भी एक पोस्ट किया है जिसमें वो नाखुश प्रतीत हो रहे हैं। इस बीच मामले की जानकारी देते हुए पत्रकार अशरफ हुसैन ने कहा, दिल्ली हिंसा के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद शोएब, राशिद और परवेज को जमानत दे दी है। वहीं पत्रकार पुनीत कुमार सिंह ने कहा, ब्रेकिंग, दिल्ली हिंसा के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद शोएब, राशिद और परवेज को जमानत दे दी है। वहीं एक यूजर विनय कुमार सिंह कहते हैं, सर आप क्यों भूल जाते हैं कि आप भारत में रहते हैं, जिस सर जमीन पर मुसलमान सबसे सुरक्षित और मान सम्मान के साथ रहते हैं और कानून सबको बराबरी का हक देता है। वहीं दिल्ली दंगों के आरोपी और भाजपा सांसद कपिल मिश्रा ने कहा, हम सभी को वास्तव में शर्म आनी चाहिए कि हम दिलवर नेगी जी के लिए न्याय सुनिश्चित करने में नाकाम रहे। दिलवर नेगी की भयानक हत्या के मामले में आज आरोपियों को जमानत मिल गई। दिलवर नेगी और उनके परिवार से मैं व्यक्तिगत रूप से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि अभी तक न्याय नहीं दिला पाए। बहुत दुखद दिन। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की हर वायरल न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे।